ऐसा कर क्या दिया उन्होंने? अनुराग और महिमा बेचारे तो इसी तलाश में रहते हैं कि किस तरह तुम्हें खुश रख सके। मुझे खुश करना इतना मुश्किल भी नहीं, पर आप ऐसा होने दे तब ना। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा उन्हें। अमीरपुर की जमीन, अनुराग से कहो कि वो जमीन श्रीपाल के नाम कर दे। तुम्हें क्या लगता है शांति, के जमीन मिल जाने से तुम्हारे बेटों की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? अगर ऐसा ही होना होता शांति ना, तो गांव की जमीनें और मेरे बाबूजी का घर और तुम्हारे सारे जेवर दुकान को बचाने के लिए काफी थे। ये तुम अपने बेटों की जो इतनी वकालत कर रही हो, तुमने कभी पूछा उनसे कि सारा पैसा जाता कहां है और इतना खर्चा किस पर कर रहा है? क्या अनुराग की जमीन की जरूरत भी उन्हें पड़ गई है? जमीन की जरूरत कभी ना पड़ती अगर हमारे घर महिमा की जगह कंचन आई होती। और वो लोग तो बड़ी दुकान हमें दहेज में देने के लिए राजी हो गए थे, वो भी मेन मॉल में। लेकिन इससे तुम्हें क्या? अगर अनुराग की जगह तुमने हमारे बेटों के बारे में सोचा होता तो ये नौबत ही क्यों आती? तुम्हारे बेटों की बदनसीबी की वजह अनुराग नहीं है शांति, और ये सच तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। अनुराग मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसके पिता से वादा किया था कि मेरे रहते उसके बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। अमीरपुर की जमीन सिर्फ अनुराग की है और उसी की रहेगी। मनमर्जी शुरू करती? तुम क्या समझती हो इस घर में तुम जो चाहो वो कर सकती हो? ओ, चांदी का कलश माँ ने दिया है पूजा के लिए। हाँ भाई, घर वालों के लिए तो पीतल का छल्ला तक नहीं, और अपनी बेटी के लिए चांदी का बर्तन। गरीबी का नाटक तो बस हमारे लिए ही था, है ना माँ जी?
हाँ, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। एक तरफ तो ये अपनी गरीबी का दूसरों के सामने रोना रोते रहते हैं ताकि किसी के लिए कुछ करना ना पड़े, और दूसरी तरफ अपने पैसों की गांठ बांध कर रखते हैं। अरे देते तो अपनी बेटी को ही देते ना माँ जी, कौन सी उनके दिए हुए से हमें जागीर खड़ी कर लेनी है। देखिए बाबूजी, जो इन्होंने जो सामान लिया था उसका हिसाब तो मिल ही नहीं रहा। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटी। वो दरअसल मैं और शोभा दीदी सोच रहे थे कि आज महिमा से रसोई की रस्म करवा ले, ताकि वो भी इस घर का चूल्हा चौका संभाले और अपनी गृहस्थी शुरू करे। तुम नहीं जानती बेटी के तुम दोनों बहुओं ने आज मेरे सीने से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। करो बेटा, सब करो, जो जो रस्में हैं सब कराओ नई बहू से। आओ। महिमा, सामान तो सब यहीं पे है, फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम सब घर में ही है। बता देना। जी दीदी, मैं सब संभालूंगी। अब चले। हे संतोषी माँ, मेरे साथ चलना। हाँ, तुम्हारा घर सदा भरा रहेगा बेटी, दो टुकड़ा रोटी इस गरीब के झोले में डाल दो ना। महिमा, बाहर भिखारी लाई है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो। जी दीदी, अभी देती हूँ। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। दीदी, ये नमक, नमक जल्दी डाल। हो गया। ये लो बेटा। क्या बात है भाई, तुम्हारी माँ बेटी आज टेस्ट है तुम्हारा। लाओ दो। ये लीजिए जी। नमक? रुक जाइए बाबूजी, प्लीज ये दाल मत खाइएगा। क्यों महिमा, दाल तो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, है ना माँ जी? बात क्या है महिमा? मुझे लगता है मैं दाल में नमक डालना भूल गई। लो, ये अच्छा है। नहीं तो दाल तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, बरसों बाद मैंने ऐसी दाल चखी है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सब कृपा है संतोषी माँ की, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैंने दाल में नमक डाला ही नहीं। ऑफिशियल बेबी हो तो मेरी अब। अनुराग, घर में माँ बाबूजी। अरे उनको भी अपना वक्त याद आ जाएगा, डोंट वरी। होली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अरे महिमा, अनुराग, देखो तुम्हारे माँ बाबूजी आए हैं। अनुराग बाबूजी, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।